उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में मेंथा की विभिन्न प्रजातियों के बारे में केंद्रीय औषधीय व सुगंध पौधशाला सीमय पंतनगर के 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र कुम्हरावा निवासी प्रगतिशील किसान व पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक रामनाथ वर्मा के यहां पहुंचकर उनके फार्म हाउस पर उगाई नई किस्म उन्नत प्रजाति की मेंथा फसल जड़ पर कार्यशाला में उन्नत प्रजाति के बारे में क्षेत्रीय किसानों और जनप्रतिनिधियों को टीम के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप मेंथा उत्पादन की बारीकियों के बारे में बताते हुए कई जानकारियां दी। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रगतिशील किसान व केंद्रीय औषधीय टीम के डॉक्टरों ने क्या जानकारियां दी। देखिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ शेर बहादुर के साथ कैमरामैन धीरेंद्र सिंह पटेल की खास रिपोर्ट। आप अपने GNI न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखें आगे की पल पल की अपडेट। मैं संदेशा देना चाहता हूं कि सीमय पंत नगर द्वारा विकसित प्रजाति सिमोन्नति, जो उसकी सबसे ज्यादा चौड़ी पत्तियां होती है 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 80 दिन में पककर के पूरी तरह से किसानों को तेल देने वाली हो जाती है। और जिसमें से हमने पिछले साल सीमैप से जो बीज मेरा बेटा प्राप्त किया था, जो चयनित किसान है बाराबंकी का, उसको जो है कमल सिंह पटेल को उसको जो बीज मिला था, उससे हमने 3 एकड़ पर सिमोन्नति की खेती कराई है और किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराया है। ये हमारा सोच है कि प्रगतिशील किसान इसको ले जाए और सबसे ज्यादा देश में पहली बार अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति सिमोन्नति की रोपाई करके अच्छा से अच्छा लाभ कमाए, जिसमें प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान की आमदनी 2 गुना ज्यादा हो, ऐसे सपने को साकार हम कर सके। धन्यवाद। प्रधान वैज्ञानिक सीमैप लखनऊ से है। एक आज किसानों के बीच में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेंथॉल मिंट प्रजाति सिम उन्नति के बारे में किसानों को विशेष जानकारी दी गई कि ये जानकारी उनके कैसे खेती करें और उससे अच्छा से अच्छा लाभ कमाएं। जो हमारी सीमैप से प्रजातियां निकली हैं, उनसे ये वाली प्रजाति है 15 से 20% अधिक तेल देने वाली है, तो इसका चयन करें। आपको इसकी जितने भी किसान भाइयों को बताया गया कि इसकी पौध का मतलब है सकर्स या इससे बनाया गया पौधा, वो आप सीमैप संस्थान से लें, इसके शोध केंद्र पंतनगर से लें, या जो पिछले साल किसानों को जो पौध उपलब्ध कराई गई वहां भी ले सकते हैं। क्योंकि उचित यही बात होगी कि जब तक आपको पौध अच्छी नहीं मिलेगी तब तक आपको तेल अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता है।